अपकमिंग क्लास आई एम योर स्टेट टीचर्स और आज का हमारा टॉपिक है शार्पनिंग टेक्निक। रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 4। डिफाइन शार्पनिंग एरर हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर इज कॉल्ड शार्पनिंग एरर। सैंपलिंग एरर इज इक्वल टू सैंपल मीन एक्स बार जो होता है और माइनस हमारे पास पॉपुलेशन मीन जो इसका क्रॉसपॉन्डिंग पैरामीटर होता है म्यू। ठीक है, इसके दरमियान का जो डिफरेंस है वो आपके पास सैंपलिंग एरर होता है। नेक्स्ट है इसके हम रिड्यूस कैसे करते हैं। सैंपलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज अ सैंपल साइज, सैंपल साइज को बढ़ाने से, इम्प्रूविंग सैंपल साइज को इम्प्रूव करने से, बाय यूजिंग स्ट्रैटिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन के प्रोसेस से। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन नॉन सैम्पलिंग एरर हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। द एरर विच अकर, वो एरर जो अकर होता है एट द स्टेजेस ऑफ गैदरिंग, एक डेटा गैदर करने के रेंज, गैदर करने के स्टेज पे, अरेंज करने के स्टेज पर और एंड एनालाइज द डेटा आर कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर। जब हम डेटा को इकट्ठा कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं और उसका तजिया कर रहे हैं, उस टाइम जो आपके पास एरर होते हैं वो आपके पास नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर जो इंसान की वजह से आता है, एरर ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट हमारी कैलकुलेशन की वजह से जो एरर आता है वो आपके पास कौन सा होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस बाय इम्प्रूविंग द मेथड ऑफ सिलेक्शन, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, कंसोलिडेटिंग द एक्सपर्ट टू एनालाइज द डेटा। नेक्स्ट है डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैम्पलिंग। अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नोन, ए वो सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ नोन एंड नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी टू बी सिलेक्टेड इन द सैम्पल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इट्स टाइप्स आर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्टैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विद द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड इन द सैम्पल बाई पर्सनल ओपिनियन, वो सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हम सेलेक्ट करते हैं इन द सैम्पल बाई पर्सनल ओपिनियन अपनी मर्जी से, इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एग्जाम्पल है आपके पास सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम बाई सेलेक्टर, सिलेक्शन करनी है क्रिकेट टीम की बाई सेलेक्टर, वो अपनी मर्जी सेलेक्ट करेगा कि हम कौन कौन से प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। टाइप्स है कोटा सैम्पलिंग है, परपोजिव सैम्पलिंग। What is the Persian and accuracy? Persian, expected difference between estimated and expected value of an estimator is known as Persian. It is measured by variance of estimator. इसको मेयर करते हैं variance of estimator से, smaller variance gives more Persian. जिस estimator का variance आपके पास smaller होगा वो आपके पास more precise या Persian होगा। Accuracy आपके पास expected difference between estimator and parameter is known as accuracy. It is measured by mean square error. Accuracy can be increased by improving sample size, improving the sample design. Next, what is bias? Difference between expected value of an estimator and true value of the parameter is called bias. बाइस आपके पास एरर होता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक विद देयर प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। अरेंज जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज होती है एक्स की, उनको उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ अरेंज करना आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्टैंडर्ड एरर, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक। स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। स्टैंडर्ड एरर इज यूज टू कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। डिफाइन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का हर यूनिट एंड ऑल पॉसिबल सैम्पल और ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ सेम साइज के हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन द सैम्पल। उनकी क्या होती है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है इनके इसमें सैम्पल में, तो आपके पास। और नेक्स्ट इसका जो है सक्सेसिव सिलेक्शंस आर इंडिपेंडेंट, सक्सेसिव सिलेक्शन जो होती हैं आपके पास इंडिपेंडेंट होती हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो आपके पास सिंपल रैंडम सैंपल या सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। एक्सप्लेन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, अ सैंपलिंग टेक्निक इन विच हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इज डिवाइडेड टू सब ग्रुप्स कॉल्ड स्टाटा। हेट्रोजीनियस जो पॉपुलेशन है उसको सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या होता है, स्टाटा होता है।
फ्रॉम ईच स्टार्टम, हर एक स्टार्टम से सब सैंपल इज सिलेक्टेड, हर सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग से। द ओवरऑल सैंपल एन इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग द सैंपल, ओवरऑल एन सैंपल जो है वो सारे सब सैंपल्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं फ्रॉम ऑल द स्टाटा सब स्टाटा से, द ओवरऑल प्रोसेस इज का स्टैटिफाई सैंपलिंग। थैंक्स नो मोर फॉर टुडे, हैव फन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ क्लास।